हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी और आपकी मुलाकात इस कॉग्निटो प्लेटफॉर्म पे हो रही है। एक नई शुरुआत की गई है यहाँ पे। आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स और सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी सिलसिले में हमारी भी कोशिश है कि आप लोगों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छी से अच्छी चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। आज हमारी और आपकी मुलाकात जिस एक टॉपिक के साथ हो रही है, वो टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। हम लोगों को ये पता है कि हाल ही में सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की है, मंजूरी प्रदान की गई है एक प्रकार से। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर अभी जो पेपर हुए, आरओ या पीसीएस, उन पेपरों में से संबंधित क्वेश्चन पूछे भी गए। आगामी जो भी पेपर होंगे, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित क्वेश्चन उठने स्वाभाविक सी बात है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फैक्ट संबंधित चीजें पूछेंगे, लेकिन अगर आप यूपीएससी या पीसीएस या आरओ या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल जो होगा थोड़ा वो अच्छा होगा। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने के पश्चात काफी चर्चा का विषय बना रहा। एक वर्ग ऐसा है जो इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन करता है, तो जो सरकार का समर्थक होगा वो इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन करेगा, और जो सरकार का विरोधी होगा अर्थात जो विपक्ष में होगा वो सरकार की इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कमियों को बताएगा। क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, हमें दोनों पहलुओं पर ध्यान रखना है और इस मुद्दे पर हमें चर्चा करनी है। और चर्चा एक सभ्य समाज की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो इसी क्रम में हम डायरेक्ट नई शिक्षा नीति पर न जाकर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विकास हुआ, क्रमवार, उस सारी चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अर्थात हम पहले आपको इतिहास के आईने में ले चलेंगे और इतिहास में इन चीजों को देखने का प्रयास करेंगे कि शुरुआत में हमारे इस भारत में शिक्षा का कैसे ये भारत हमारा केंद्र बना रहा और कैसे चीजें धीरे धीरे परिवर्तित होती गई। जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारत में शिक्षा का विकास। इस क्रम में जो चीजें भारत के अंतर्गत होती है शिक्षा के क्षेत्र में, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। और अगर इन पहलुओं को देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्राचीन भारत के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में क्या चीजें थी। प्राचीन भारत के अंतर्गत जो शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत के बाद फिर हम लोग देखेंगे इस मध्यकालीन भारत के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार होता है, और फिर मध्यकालीन भारत के बाद आगे हम बढ़ेंगे आधुनिक भारत की ओर। आधुनिक भारत में देखेंगे कि यूरोपियों के आगमन के पश्चात भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार होता है, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे स्वतंत्र भारत अर्थात आजादी के बाद, 1947 के बाद भारत में कैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होता है, कौन सी नीतियां अपनाई जाती हैं, कौन से आयोग गठित किए गए, इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। विषय लंबा है इसलिए हो सकता है कि क्लासेस थोड़ी थोड़ी लंबी चलेंगी, और हो सकता है कि ये पूरा टॉपिक आपको एक दो वीडियो में उपलब्ध हो आपके पास। तो चीजों को क्रमवार पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारी ये कोशिश है आपको बेहतर से बेहतर बताने की। तो सबसे पहले शुरुआत इस प्राचीन भारत के अंतर्गत करेंगे। कहा जाता है कि भारत आज से कई वर्ष पहले शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। आज भी भारत शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है, लेकिन भारत आज से ही शिक्षा के मामले में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र नहीं बना है, बल्कि भारत का अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं
तो इतिहास हमें ये बताता है कि भारत बहुत पहले से ही शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था। विदेशी छात्र भारत में पढ़ने के लिए आते थे, और इस प्राचीन भारत के अंतर्गत हमें कुछ विश्वविद्यालय दिखाई पड़ते हैं जो इन चीजों को प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं कि भारत एक शिक्षा के केंद्र के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है। इन विश्वविद्यालयों में कुछ विश्वविद्यालय ऐसे थे जो बड़े चर्चित थे, जिसमें से एक का नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो वहीं दूसरा जो विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। तो वहीं एक और विश्वविद्यालय था जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो एक विश्वविद्यालय और था जिसका नाम था वल्लभी विश्वविद्यालय। ये चार विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो हमारे प्राचीन भारत से संबंधित हैं, जिसमें से एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पेशावर में स्थित है, अर्थात वर्तमान में पाकिस्तान का एक शहर है पेशावर, ये पेशावर में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में ये कहा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, और इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का या एशिया का ही सबसे पुराना विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि ये पूरे विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। चाणक्य, पाणिनि जैसे व्यक्ति, विद्वान यहाँ के आचार्य रह चुके थे। तक्षशिला गणित, ज्योतिषी, भूगोल जैसे अहम विषयों का यहां पर अध्ययन कराया जाता था। इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में सिर्फ भारतीय छात्र ही नहीं, बल्कि विदेशी छात्र भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के शासक कहलाए, उन्होंने भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। तो इस तक्षशिला विश्वविद्यालय को प्राचीन भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। वही एक दूसरा विश्वविद्यालय जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, इस नालंदा विश्वविद्यालय को देखें तो ये वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। तक्षशिला पेशावर में है, नालंदा बिहार में है। तो अगर हम वर्तमान भारत की बात करें कि वर्तमान भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वर्तमान में भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा है, क्योंकि जो तक्षशिला है वो कहाँ है, पेशावर में है। तो नालंदा विश्वविद्यालय भी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, और ये कहाँ है, बिहार में है। इस नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे, संस्थापक का नाम था शक्रादित्य, संस्थापक का नाम शक्रादित्य था। इसी शक्रादित्य को कुमारगुप्त प्रथम के नाम से जानते हैं, तो कुमारगुप्त का ही नाम था शक्रादित्य। शक्रादित्य ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य होते थे, बौद्ध धर्म का जो भी प्रचार प्रसार होता था, वो इसी नालंदा विश्वविद्यालय से किया जाता। तो यह नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अब बौद्ध धर्म की दो शाखाएं होती हैं, एक शाखा है महायान और एक शाखा है हीनयान। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं होती हैं, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं बताई गई। एक शाखा का नाम है महायान, और बौद्ध धर्म की जो दूसरी शाखा है, उस शाखा का नाम है हीनयान। नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन ये बौद्ध धर्म की जिस शाखा से संबंधित था वो शाखा थी महायान। बौद्ध धर्म में महायान उन लोगों को कहा गया
जिन लोगों ने बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा की उन्हें महायान कहा गया। कनिष्क जैसे लोग इस महायान शाखा के अनुयायी थे। महायान उन्हें कहा गया जो बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, उन्हें महायान कहा गया, और जो बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते थे उन्हें हीनयान कहा गया। यहां पे हमने लिखा कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और इस बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये महायान शाखा का अनुयायी था, अर्थात ये नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा से संबंधित था। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दी जाती थी ज्यादा से ज्यादा वो महायान से संबंधित दी जाती थी। एक मध्यकालीन भारत के अंतर्गत तुर्क साम्राज्य की शुरुआत होती है। तुर्क साम्राज्य का शासक होता है मोहम्मद गौरी, जिसे भारत में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी, ये सारे तुर्क थे और इनका एक उद्देश्य था भारत में इस्लाम के परचम को लहराना। ये भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। कहा जाता है कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इस नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ होते थे वो सब यहीं पर रखे होते थे और यहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। बख्तियार खिलजी का टारगेट बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य तो अपने तुर्क साम्राज्य का विस्तार करना था और वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता था। इसीलिए इतिहासकार बताते हैं कि बख्तियार खिलजी इस नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर देता है और यहां पर इस बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, उन्हें जलाकर नष्ट कर देता है। इतिहासकार बताते हैं कि अगर बख्तियार खिलजी ने इन ऐतिहासिक साक्ष्यों को ना जलाया होता तो शायद हमें भारतीय इतिहास और भारतीय समाज के बारे में जानने का और अच्छा मौका मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रंथ रखे हुए थे बौद्ध धर्म के वो सिर्फ बौद्ध धर्म से ही संबंधित नहीं थे, बल्कि उस बौद्ध धर्म के अनुयायी जो भी शासक थे, उनकी जो भी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां होती थी, उन चीजों का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया था। लेकिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण वो सारे साक्ष्य तबाह कर दिए जाते हैं। भारत में समय समय पर चीनी यात्री आते हैं और इन चीनी यात्रियों के आने के पीछे जो कारण था वो कारण ये था कि ये चीनी यात्री भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित चीजों को जानने के लिए आते हैं, क्योंकि चीन भी बौद्ध धर्म का मतानुयायी हुआ करता था। सीधी सी बात है कि अगर हम अपने अपने हिंदू संप्रदाय को मानते हैं तो हमारी ये इच्छा होगी कि हम हिंदू धर्म से संबंधित जो भी देवी स्थान है उनकी यात्रा करें। हमारी इच्छा वैष्णो देवी जाने की इच्छा होगी तो हमारी इच्छा बालाजी जाने की इच्छा होगी। अगर हम इस्लाम मजहब को मानते हैं तो हमारी इच्छा मक्का मदीना जाने की होगी। तो जो व्यक्ति जिस संप्रदाय से जुड़ा हुआ, जिस मजहब से जुड़ा हुआ होता है, वो अपने उस मजहब के तीर्थ स्थानों पर जाने की उसकी इच्छा होती है। चीन के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म के जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, जिन्हें हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनके जीवन का जो अधिकांश भाग है, लगभग उनका जो पूरा जीवन है, वो भारत में ही बीतता है। अगर हम उनके जन्म स्थान को छोड़ दें कि जो नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था, तो लगभग लगभग महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध की सबसे ज्यादा उपदेश, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित लगभग घटनाएं भारत में ही होती हैं। तो चीनी लोग भी बौद्ध धर्म को मानते थे, तो उनके अंदर भी ये इच्छा होती थी कि हम भी जाकर देखें कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, हम भी जाकर देखें कि बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया। तो इन सारे प्रश्नों के साथ ये चीन से निकल पड़ते थे और कहाँ आ जाते थे, भारत आ जाते थे। इसी क्रम में भारत में कई चीनी यात्रियों का आगमन होता है
और इन्हीं आगमनों में एक आगमन होता है एक चीनी यात्री का, जिसका नाम होता है ह्वेन सोंग। तो एक चीनी यात्री आता है और उस चीनी यात्री का नाम होता है ह्वेन सोंग। क्या नाम होता है? ह्वेन सोंग नाम होता है। ये चीनी यात्री था। ह्वेन सोंग ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था सी युकी। इसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था सी युकी। इसने अपनी इस पुस्तक में भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया। भारत में क्या था, क्या नहीं है, भारत की क्या कमियां थी, इन सारी चीजों का इसने अपनी इस पुस्तक में उल्लेख किया। कहीं ना कहीं ये चीन से आया हुआ है और बौद्ध धर्म को ये भी मानता था, तो इसकी भी इच्छा हुई बौद्ध धर्म को और जानने की। और भारत में उस समय इसके शासनकाल में, क्योंकि प्राचीन भारत ही चल रहा है, इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो नालंदा था। इसीलिए इतिहासकार बताते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए यह ह्वेनसांग जिस स्थान पे पहुंचता है, जिस विश्वविद्यालय में पहुंचता है, उसका नाम होता है नालंदा विश्वविद्यालय। अर्थात ह्वेन सोंग एक ऐसा चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जाता है। जिस समय ह्वेन सोंग बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जाता है, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उनका नाम था शीलभद्र। तो ह्वेन सोंग जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय गया हुआ था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, उस कुलपति का नाम था शीलभद्र। ह्वेन सोंग शीलभद्र की बड़ी तारीफ करता है और शीलभद्र के मृत्यु पर ह्वेन सोंग ये कहता है कि आज ज्ञान का वो नेत्र बंद हो गया तथा सागर, ज्ञान के सागर से नौका उतरने लगी है। तो ये जो कथन कहे जाते हैं ये ह्वेन सोंग के द्वारा शीलभद्र के लिए कहे जाते हैं। शीलभद्र उस समय कुलपति था इस नालंदा विश्वविद्यालय का, जिस समय ह्वेन सोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी। इसने यहां आकर बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास किया। ह्वेन सोंग जिस समय भारत आया हुआ है, उत्तर भारत में एक तरफ हर्षवर्धन का शासक है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में पुलकेशन द्वितीय का शासन है। दोनों शासक एक दूसरे के क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हैं और लास्ट में विजय पुलकेशन द्वितीय का होता है। लास्ट में जो विजय होती है वो पुलकेशन द्वितीय की होती है। ह्वेन सोंग ने सिर्फ उत्तर भारत की ही यात्रा नहीं की थी, बल्कि इसने दक्षिण भारत के क्षेत्रों की भी यात्रा की और अपनी उन सारी बातों को इस ग्रंथ में उल्लेखित किया, सी यू की में। ये चीजें नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पश्चात जो अगला विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय का नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को शिला संगम विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। इस विश्वविद्यालय को शिला संगम विश्वविद्यालय के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे शिला संगम इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यह विश्वविद्यालय सोन नदी और गंगा नदी के तट पर स्थित है, संगम पर स्थित है, इसीलिए इसे शिला संगम विश्वविद्यालय के नाम से पुकारते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी ये बिहार में स्थित है। ये विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में स्थित है। और एक शासक थे, एक वंश थे, उस वंश का नाम था पाल वंश, जिसका शासक था धर्मपाल। कहा जाता है कि धर्मपाल ने अपने शासनकाल में बिहार में इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और यह भी बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था। इसी क्रम में एक दूसरा विश्वविद्यालय जिसका नाम है वल्लभी विश्वविद्यालय, और यह वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। इसकी स्थापना वल्लभ वंश के एक राजा थे जिनका नाम था राजा वल्लभी। राजा वल्लभी ने इस वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना। तो हम लोगों ने यह देखा कि भारत शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र रहा वो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से, प्राचीन भारत से ही भारत, हमारा भारत
शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के अंतर्गत शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। चीजें प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की तरफ बढ़ती हैं। शासक बदलेगा तो सिर्फ शासक ही नहीं बदलता है, बल्कि शासक के शासन करने के तरीके भी बदलते हैं। मध्यकालीन भारत की तरफ जब हम आगमन करते हैं तो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत को देखने का प्रयास करते हैं। और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में जो पहला प्रयास किया गया वो प्रयास किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने नासिरिया तथा म्यूजिया जैसे मदरसे की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इल्तुतमिश के द्वारा नासिरिया और म्यूजिया जैसे मदरसों की स्थापना की जाती है। शुरुआती दौर में भले ही इन मदरसों में इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस शिक्षा का विकास धीरे धीरे भारत के अंतर्गत हो रहा है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सिर्फ इल्तुतमिश ही नहीं, कई ऐसे शासक होते हैं जो अपने शासन काल में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य करता है। मुगल वंश के शासक भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान रखते हैं। तो हमने सिर्फ शुरुआत को देख लिया कि आखिर प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की तरफ आए तो ऐसा नहीं था कि प्राचीन भारत ही शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था, बल्कि मध्यकालीन भारत के अंतर्गत भी चीजें धीरे धीरे शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा विकास करने पर फोकस बना हुआ था। सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र को लेकर जो मंथन, जो विचार विमर्श होता है वो इस आधुनिक भारत के अंतर्गत होता है। अब आधुनिक भारत के अंतर्गत अगर हम पढ़ेंगे शिक्षा को लेकर तो सबसे बड़ा रोल पढ़ेंगे वो यूरोपियों को लेकर पढ़ेंगे कि यूरोपियों का भारत के अंतर्गत भारत में शिक्षा के क्षेत्र पर क्या फोकस किया गया और इन यूरोपियों में जिन व्यक्तियों के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे वो अंग्रेज होंगे। अब हमें ये याद रखना है कि अंग्रेज जो यूरोपी थे, अंग्रेजों का भारत में आने का सिर्फ एक उद्देश्य था, वो उद्देश्य था व्यापार करना। अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार करना चाहते थे। व्यापार करके ये भारत में ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते थे। शुरुआती दौर में जब अंग्रेज भारत आते हैं तो अंग्रेजों के भारत आने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। और व्यापार करके ये भारत में ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, लाभ अर्जित करना चाहते हैं। अर्थात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों का भारत में शुरुआती दौर में शिक्षा के क्षेत्र पर काम करना कोई उद्देश्य नहीं था। अंग्रेजों के दिमाग में ये बात नहीं थी यूरोप में कि भारत 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 में शिक्षा का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, चलो चलते हैं इंग्लैंड से और भारतीयों को शिक्षित करते हैं, बल्कि अंग्रेज यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को देखकर भारत की तरफ बढ़े थे और उन्हीं संसाधनों का दोहन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करते हैं। शिक्षा पर फोकस करना इनका अपना कोई टारगेट नहीं था, लेकिन परिवर्तन ही प्रकृति का क्या है, नियम है। चीजें धीरे धीरे बदलने लगी और जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश सरकार की जड़ें मजबूत होने लगी तो ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग चाहिए जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो लेकिन विचारधारा से वो अंग्रेज हो। अब ब्रिटिश हुकूमत ऐसे किसी वर्ग की तलाश कर रही थी। इन्हें ये वर्ग तभी मिल सकता था जब ये भारत में अपनी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करें और अपनी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करने के लिए
इन्हें अपनी शिक्षा पद्धति को भारत में लागू करना पड़ा। और देखते ही देखते अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। और इस पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाने लगे और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे। अंग्रेज अपनी इस पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से, अपनी इस अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से इन्होंने भारत में एक ऐसा वर्ग अपना तैयार कर लिया था जो रंग और रक्त से तो भारतीय था लेकिन विचारधारा से वो अंग्रेज था। और कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई पड़ती हैं 1857 की क्रांति में। जब 1857 की क्रांति होती है तो इस क्रांति में जो बुद्धिजीवी वर्ग था उस बुद्धिजीवी वर्ग ने सैनिकों का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि ये सैनिक, ये लोग ब्रिटिश की नीतियों का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अशिक्षित हैं, इन्हें ये नहीं पता है कि अंग्रेज सही कर रहे हैं भारत में। लेकिन यही जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जैसे जैसे इसकी अंग्रेजों से नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर इसे अंग्रेजों की सच्चाई पता चलने लगी कि अंग्रेज तो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो अंग्रेजों की तरफ से झुकाव उनका हटने लगा। और फिर यही बुद्धिजीवी वर्ग हिंदुस्तान के अंदर मध्यम वर्ग बनकर उभरता है। और फिर यही मध्यम वर्ग भारतीयों को जागरूक करता है आजादी के लिए। और फिर यही मध्यम वर्ग जो था वो अपनी एक टीम बना लेते हैं और उस टीम का नाम था कांग्रेस, जिसका उद्देश्य बन चुका था इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से क्या कराना, आजाद कराना। तो अब ये जो बुद्धिजीवी वर्ग था मध्यम वर्ग के रूप में आ चुका है और ये मध्यम वर्ग अब अंग्रेजों से दूर जाने लगा है, क्योंकि उस समय इस मध्यम वर्ग की संख्या बहुत कम थी। इसीलिए जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो जो डफरिन था उस समय गवर्नर वायसराय डफरिन, ये कहता भी है कि कांग्रेस तो मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, लेकिन इस मुट्ठी भर लोगों को हुजूम में तब्दील कर दिया जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था महात्मा गांधी। देखते ही देखते इस कांग्रेस संगठन में लाखों की संख्या में लोग जुड़ने लगे। तो फिर इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में तो हर वर्ग ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई, लेकिन फिर उस वर्ग ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई जिस वर्ग ने कभी एक समय अंग्रेजों का समर्थन किया था और 1857 की क्रांति में सैनिकों का विरोध किया था। तो ये चीजें आगे बढ़कर सामने आती हैं। तो हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा इस आधुनिक भारत पे होगा, क्योंकि इसी आधुनिक भारत के दौरान ही कई सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, कई सारी कमेटियां बनाई जाती हैं। इसी में हम उड डिस्पैच पढ़ेंगे, इसी में हम हंटर कमीशन पढ़ेंगे, इसी में हम रेले आयोग पढ़ेंगे, इसी में हम सैडलर आयोग पढ़ेंगे, इसी में हम वर्धा योजना पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत हम सर्जेंट योजना पढ़ेंगे, जितने विश्वविद्यालय स्थापित किए गए उन सारे विश्वविद्यालयों को देखेंगे, भारतीय शिक्षा के मैग्ना काटा को समझने का प्रयास करेंगे कि किस आयोग को भारतीय शिक्षा का मैग्ना काटा कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है और ये मैग्ना काटा शब्द क्या है, कैसे इसकी शब्द की शुरुआत हुई वैश्विक स्तर पर। तो उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे इस आधुनिक भारत के अंतर। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है स्वतंत्र भारत के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमें क्या देखना है कि आजादी के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र को लेकर भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से फैसले लिए गए, भारत सरकार ने कौन सी नीतियां अपनाई, कौन से आयोग गठित किए गए, उन सारी चीजों की सिर्फ एक झलक देख लेते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारी और आपकी मुलाकात किन बिंदुओं के साथ होगी। इस स्वतंत्र भारत के अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के अंतर्गत भारत में शिक्षा को लेकर क्या भूमिका होती है सरकार की, तो इसको अगर देखते हैं और क्रमवार देखते हैं तो 1947 में हमारा भारत होता है अंग्रेजों से आजाद।
तो 47 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिलती है। इसी आजादी के पश्चात ही बात 1948 की थी। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बारे में हम जानते हैं कि इन्हीं के जन्मदिवस पर भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। डॉक्टर सरकार ये चाहती थी कि अब हम शिक्षा के क्षेत्र पर कुछ नया करें, भारत में शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। तो कैसे प्रचार प्रसार किया जाए और कौन सी नीतियां अपनाई जाएं, इन सारे अहम बिंदुओं को लेकर एक ऐसा कोई आयोग बनाया जाए जो आयोग भारत में सारी शिक्षण संस्थानों पर की देखरेख करे, उन्हें अनुदान प्रदान करे, उनकी जांच करे। इसके लिए 1948 की सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसीलिए इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। तो राधा कृष्णन आयोग का जो गठन हुआ वो हुआ 1948 में। इसी आयोग की सिफारिश पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो स्थापित किया जाता है वो 1953 में किया जाता है और इसकी स्थापना राधा कृष्णन आयोग के द्वारा की जाती है। और ये राधा कृष्णन आयोग गठित कब किया गया था, 1948 में। बाकी जब स्वतंत्र भारत पे आएंगे उस टॉपिक को सीरियस से पढ़ते हुए सीरियल से, तो फिर इस राधा कृष्णन आयोग को पूरे विस्तार से देखेंगे। अभी हम सिर्फ झलक देख रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में 2020 तक क्या हुआ। इस 1948 के पश्चात चीजें आगे बढ़ी और बात आती है 1964 की। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और 1964 में ही एक आयोग गठित किया जाता है। उस आयोग का नाम था कोठारी आयोग। कोठारी जी की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था, इसलिए इस आयोग का नाम कोठारी आयोग रख दिया गया। और ये कोठारी आयोग कब गठित किया गया, 1964 में। 1964 में ही कोठारी आयोग का गठन कर दिया गया और इसी कोठारी आयोग की सिफारिशों को मानते हुए ही इस कोठारी आयोग ने जो सिफारिशें की, इन्हीं सिफारिशों को मानते हुए ही भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। और भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई 1968 में। तो भारत में जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई वो लागू की गई 1968 में। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जिस आयोग की सिफारिश पे लागू किया गया उस आयोग का नाम था कोठारी आयोग। और देश की, स्वतंत्र भारत की जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है वो लागू की जा रही है 1968। इसी क्रम में कुछ घटनाएं और आगे बढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में और मामला आगे बढ़ा। बात आती है 1976 की। ये जो राधा कृष्णन आयोग था, इन चीजों को भी हम आगे बढ़ेंगे। इसी राधा कृष्णन आयोग ने ये सिफारिश की थी कि जो विषय है शिक्षा, इस शिक्षा विषय को समवर्ती सूची का विषय बना दिया जाए। तो शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए, इस बात की सिफारिश जिस आयोग ने की थी उस आयोग का नाम था राधा कृष्णन आयोग। 1976 में इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री हैं। कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें पता है कि तीन सूचियां होती हैं। एक जो सूची है उस सूची का नाम है संघ सूची, दूसरी सूची का नाम है राज्य सूची
और तीसरी का नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची भारतीय संविधान के अंतर्गत इन तीन सूचियों का वर्णन है, जहां संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार या संसद को है, वहीं राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल या राज्य सरकार को है, वहीं समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोगों के पास है। लेकिन अगर कोई विषय समवर्ती सूची का है और उस विषय को लेकर अगर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाए, तो प्राथमिकता हमेशा या वरीयता हमेशा सबसे पहले केंद्र सरकार को ही दी जाती है। मतलब बात किसकी मानी जाएगी कोर्ट में? केंद्र सरकार की मानी जाएगी। इस आयोग ने सिफारिश कर रखी थी कि शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए, और फिर सरकार ने भारतीय संविधान में एक संशोधन किया, और भारतीय संविधान में संशोधन किया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरकार ने शिक्षा को समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत शामिल कर लिया। तो शिक्षा जो समवर्ती सूची का विषय बनाया गया, वो बनाया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस समय देश की जो प्रधानमंत्री थी, वो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और ये जो संविधान संशोधन किया जाता है, ये संविधान संशोधन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। 1976 के बाद देश में एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होती है। इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगा देने के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, और उस सत्ता परिवर्तन में नई सरकार आती है मोरारजी देसाई जी की। लेकिन पुनः एक बार फिर इंदिरा गांधी जी के हाथ में सत्ता आ जाती है, लेकिन फिर आगे चलकर इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, और देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी के शासनकाल में ही 1986 में, राजीव गांधी जी के शासनकाल में ही 1986 में भारत के अंतर्गत दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया था। पहली बार जो हमने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, वो 1968 में लागू की थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। वहीं दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, वो 1986 में लागू की गई, और इस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। इसी क्रम में चीजें आगे बढ़ती हैं और मामला आता है 1992 के अंतर्गत। 1992 में मोहिनी जैन का एक मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में, और इस मोहिनी जैन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय, मोहिनी जैन के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, वो इस शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में घोषित कर देता है। अर्थात 1992 में मोहिनी जैन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय शिक्षा को मूल अधिकार का हिस्सा बता देता है। कहता है कि शिक्षा तो भारतीय नागरिकों का एक अपना एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार का मतलब ये हो गया कि ये भारतीयों को मिलना ही चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए कि इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप में शिक्षित हो। तो शिक्षा को मूल अधिकार का बिंदु बना दिया गया मोहिनी जैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में। और इसी क्रम में जब चीजें 1993 में आया, 93 में फिर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, और वो मामला था उन्नी कृष्णन का। इस उन्नी कृष्णन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, उन्नी कृष्णन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो भारतीयों का या भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है। अर्थात प्राथमिक शिक्षा हर व्यक्ति को मिलनी ही चाहिए, और राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि प्राथमिक शिक्षा की क्या कराए, व्यवस्था कराए। सुप्रीम कोर्ट के ये जो दो ऐतिहासिक निर्णय आए, इन्हीं दोनों ऐतिहासिक निर्णयों के ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। और सरकार ने जो ये 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में, इस 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया। उस अनुच्छेद का नाम था अनुच्छेद 21 का।
इस अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सरकार ने ये उल्लेख किया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जो मिलनी चाहिए वो निःशुल्क मिलनी चाहिए, और ये जो निःशुल्क शिक्षा होगी वो प्राथमिक शिक्षा होगी। अर्थात 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 अलग है और अनुच्छेद 21 का अलग है, जहां अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसे हम साधारण शब्दों में जीवन के अधिकार के रूप में भी कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 21 का जो है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इस 21 का को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें ये उल्लेखित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क मिलनी चाहिए। ये चीजें भारतीय संविधान में ऐड कर दी जाती हैं, लेकिन इन चीजों को लगभग लागू किया जाता है 2009-10 के द्वारा। एक अधिनियम बनाया जाता है 9-10 में, और इस अधिनियम के माध्यम से इन चीजों को देश में लागू कराया जाता है। अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा मिले, प्राथमिक शिक्षा, ये संविधान में ऐड कर दिया गया मूल अधिकार के अंतर्गत 2002 में, लेकिन इसे लागू कराया गया 9-10 के द्वारा एक अधिनियम बनाकर। 2010 में मनमोहन जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और फिर जब इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो समय आया 2014 का। 26 मई 2014 की तारीख को देश में फिर एक बार सत्ता परिवर्तन होता है और शपथ ग्रहण करते हैं देश के नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण करते हैं, और शपथ ग्रहण करने के पश्चात वो अपने एक नए उद्देश्यों के साथ और एक नए भारत के निर्माण के साथ वो काम करना शुरू करते हैं। इसी क्रम में सरकार ने किया क्या कि मामला जून 2017 का था। जून 2017 में इसरो के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कस्तूरी रंगन, जिनका क्या नाम था, कस्तूरी रंगन। जून 2017 में सरकार ने कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, एक समिति गठित की, और इस समिति को ये जिम्मेदारी दी गई कि भारत में नई शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाए और उस नई शिक्षा नीति में कौन से अहम बिंदु हों, किन बिंदुओं को शामिल किया जाए, उन चीजों को आप हमें बताइए। बिंदु कौन से होंगे, किस पर सरकार अपना फोकस करे, ये जिम्मेदारी दी गई कस्तूरी रंगन जी को बताने की। इस कमेटी के ये अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे कस्तूरी रंगन समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो कस्तूरी रंगन समिति का जो गठन हुआ, यह गठन होता है जून 2017 में, और इसके पश्चात इस कस्तूरी रंगन समिति का उद्देश्य है भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषयों को लेकर। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषयों को लेकर यह कस्तूरी रंगन कमेटी गठित की गई जून 2017 में। इसे इस विषय पर अपना अपना रिसर्च करना था। इसी क्रम में फिर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लगभग अगस्त 2019 में प्रस्तुत किया। लगभग 2019 में, अगस्त 2019 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसकी इस रिपोर्ट को सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई 29 जुलाई 2020 को। तो वर्तमान की मंत्रिमंडल ने इस कस्तूरी रंगन समिति को जो मंजूरी प्रदान की, वो मंजूरी प्रदान की 29 जुलाई 2020 को। अर्थात 29 जुलाई 2020 को इस मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान कर दी। अब आगामी नए सत्र से
सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेगी और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कई अहम बिंदु शामिल किए गए। बराबर चर्चा करेंगे इन सारी चीजों की। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ेंगे भी हम कि कौन कौन से विषय इसमें शामिल किए गए, क्या क्या कहा कस्तूरी रंगन में, कितने लोग थे इनके साथ, कौन कौन इस नई शिक्षा नीति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कौन कौन सदस्य थे। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में भारत अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान करता है। इससे पहले भारत ने 1986 में अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की थी। तो एक लंबा अंतराल, लगभग 34 वर्षों के अंतराल के पश्चात भारत में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। ये 1948 से लेकर इस जुलाई 2020 तक भारत में शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा से संबंधित सरकार के द्वारा जो अहम फैसले लिए गए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा जो अहम फैसले लिए गए, उन सारे बिंदुओं को हमने एक नजर से देखने का प्रयास किया कि राधा कृष्णन आयोग आया और इस राधा कृष्णन आयोग का गठन 48 में किया गया, जिसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई 1953 में, कोठारी आयोग 1964 में आता है और इसी की सिफारिशों को लागू किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया जाता है और फिर 86 में दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाती है। 92 में मोहिनी जैन का मामला आता है जहां सुप्रीम कोर्ट शिक्षा को मूल अधिकार का मुद्दा बताती है। तो 93 में उन्नी कृष्ण के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्राथमिक शिक्षा लोगों का मूल अधिकार है। और फिर माननीय न्यायालय के इन ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात ही 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य के रूप में देने की बात कही जाती है सरकार के द्वारा। और फिर इन चीजों को 9-10 में लागू किया जाता है एक अधिनियम के माध्यम से। फिर वर्तमान की सरकार जून 2017 में कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कमेटी गठित करती है और इस कमेटी का उद्देश्य था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशें करना। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की अगस्त 2019 में और फिर इस रिपोर्ट को वर्तमान की मंत्रिमंडल ने मान्यता प्रदान की, मंजूरी दी 29 जुलाई 2020 को। तो एक 34 वर्षों के अंतराल के पश्चात भारत में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार होती है। अब बारी बारी से हम लोग की प्राचीन भारत के अंतर्गत जो तीन चार विश्वविद्यालय थे उन चीजों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत इल्तुतमिश के द्वारा जो नासिरिया और म्यूजिया जैसे मदरसे स्थापित किए जाते हैं उनको देखने का प्रयास किया। अब जो सबसे अहम बिंदु है वो आधुनिक भारत को लेकर है। आधुनिक भारत में कैसे चीजें शुरू होती हैं और कैसे आयोग स्थापित किए जाते हैं और कौन कौन से आयोग बनते हैं, इन चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो एक झलक हम आपको दिखा देते हैं कि हम लोग किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो भारत के अंतर्गत, आधुनिक भारत के अंतर्गत, इस आधुनिक भारत के अंतर्गत हम जो आयोग पढ़ने वाले हैं उन आयोगों में एक आयोग है, उसका नाम है वुड डिस्पैच। दूसरा जो आयोग है उसका नाम है हंटर आयोग। हंटर आयोग के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेले आयोग। रेले आयोग के बाद हम लोग पढ़ेंगे सैडलर आयोग। सैडलर आयोग के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्धा योजना। वर्धा योजना के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्जेंट योजना। ये सारी चीजें शिक्षा से संबंधित हैं, शिक्षा के विकास से संबंधित हैं, क्योंकि ये सर्जेंट योजना 1944 में आई। और फिर इस सर्जेंट योजना के बाद फिर हम पढ़ेंगे राधा कृष्णन आयोग। अभी तो सिर्फ राधा कृष्णन आयोग, स्वतंत्र भारत के अंतर्गत जो चीजें आई उनको, उसमें उस राधा कृष्णन आयोग को हम लोगों ने पढ़ा।
अब राधा कृष्णन आयोग भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोठारी आयोग पढ़ेंगे, राधा कृष्णन आयोग जो सिफारिशें करते हैं उनको पढ़ेंगे। कोठारी आयोग ने जिन सिफारिशों को, जो सिफारिशें लागू करने की बात कही, और फिर उन्हीं सिफारिशों को पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में लागू किया जाता है, उन चीजों को समझते हैं। और फिर उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं 1986 की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और उस 1986 की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन से अहम बिंदु शामिल किए जाते हैं उसको, और सबसे लास्ट में समझेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, कि वर्तमान की सरकार ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है, और इसमें कई प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं कि सरकार ने क्या ऐड किया है और सरकार ने क्या हटाया है। काफी चर्चित रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा, वो अगला वीडियो इन्हीं बिंदुओं के साथ फिर से हम आपके सामने आएंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारी और आपकी मुलाकात ये कॉकनेडो एक प्लेटफॉर्म से हो रही है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। हमारी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी, इसी टॉपिक के साथ होगी। तो आज की मुलाकात इसी एपिसोड तक। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।